सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्या असल में वो एक बौद्ध मंदिर है? क्या सोमनाथ का मंदिर प्राचीन बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया है? अगर हाँ, तो बौद्ध मंदिर पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया गया? ये वो सवाल हैं जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद उठ खड़े हुए हैं। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है। साथ ये भी पता चला कि मंदिर और उसके आसपास के इलाके में बौद्ध गुफाएं भी हैं। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसका पता लगाया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के नीचे एल शेप की इमारत है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से थोड़ी दूर पर बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास बौद्ध गुफाएं भी मौजूद हैं। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने 32 पेज की रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी है। टीम ने मंदिर के नीचे मौजूद स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए जमीन के 12 फीट नीचे तक जांच की और GPR इन्वेस्टिगेशन की मदद से पता लगाया कि मंदिर के नीचे ही एक पक्की इमारत है और उसका एक प्रवेश द्वार भी है। इस जांच का आदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। दरअसल PM मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। साल भर पहले PM मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में पुरातत्व विभाग को कहा था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे और आसपास के इलाके की जांच की जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में कहा है, मुस्लिम आक्रमणों से पहले भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच एक जबरदस्त संघर्ष का इतिहास है। ऐसे में कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आज जितने भी प्रसिद्ध मंदिर और मठ हैं, हो सकता है वो इतिहास में कभी बौद्ध मंदिर या मठ रहे हों। इसीलिए सोमनाथ मंदिर पर यह खुलासा बहुजनों के लिए काफी अहम हो जाता है। अयोध्या में भी बौद्धकालीन अवशेष मिले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आया था। सोमनाथ मंदिर का बौद्ध कनेक्शन सामने आना एक बड़ी बात है, लेकिन गोदी मीडिया इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। इसी पर तंज कसते हुए ट्विटर पर डी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, यदि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अभिलेख मिल जाते तो मनुवादी मीडिया भौंक भौंक कर आपको सोने नहीं देती। पूरी रात टीवी चैनलों पर हंगामा हो जाता, अखबारों में हेडलाइन बन जाती, अनाउंसमेंट हो जाता और लोग इकट्ठे हो जाते, सड़कें जाम कर देते और चिल्ला चिल्ला कर कहते कि मस्जिद के नीचे मंदिर निकला है। तो दोस्तों, गोदी मीडिया तो इस खुलासे के बारे में लोगों को नहीं बताएगी, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको ही संभालनी होगी। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, द शूद्र को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।